इसराइल हमास की जंग के शुरुआत से ही अमेरिका ने अपना रुख साफ रखा है। इस युद्ध में हमास के साथ सीरिया, लेबनान और यमन जैसे देशों का समर्थन है, जिसे अब तक हमास के लड़ाके जंग में इजरायली बलों का सामना कर रहे हैं। और इसी के साथ ये प्रतिरोधी गुट इसराइल और उसका समर्थन करने वाले देशों को भी अलग अलग तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, फिर चाहे वो इंटरनेशनल शिपिंग रूट पर हूतियों का हमला हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर समर्थन देना। इसराइल हमास युद्ध का असर आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर काफी प्रभाव डालेगा, क्योंकि एक तरफ जो बाइडेन की उम्मीदवारी वाली पार्टी की कैंडिडेट कमला हैरिस अपने चुनावी भाषण में इस जंग का जिक्र करती हुई नजर आती हैं, वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने भी इसराइल और हमास के मुद्दे को पकड़ा है और ट्रंप ने इस युद्ध में मध्यस्थता कराने की कोशिश भी की है। दरअसल चुनाव से पहले ट्रंप खुद को एक शांति दूत की तरह दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बड़ा दावा किया है कि यदि उनकी सरकार बनी तो कम समय में वे इस युद्ध को खत्म करवा देंगे। लेकिन चुनाव से पहले क्या ट्रंप की जान को खतरा है? क्या अमेरिका के चुनाव में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिका अभी रूस यूक्रेन जंग और इसराइल हमास जंग में एक कॉमन फैक्टर बना हुआ है, जिससे कई देश नाराज हैं और शक के दायरे में ईरान है। ये हम नहीं बल्कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI कह रही है। जी हाँ, FBI ने हाल ही में ईरान पर चुनाव में दखलंदाजी का आरोप लगाया है। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच संबंध दशकों से संघर्ष भरे रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के दौरान ये और ज्यादा खराब हो गए थे, जिसका सबसे बड़ा कारण था ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या, जो कि ट्रंप के कार्यकाल में ही हुई थी। इन कार्रवाइयों के चलते ही ईरान ने ट्रंप को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव के लिए सीधा खतरा माना था, और इसी कड़ी में ट्रंप के चुनावी कैंपेन ने बयान जारी किया है। इस कैंपेन को हैक कर लिया गया था, इसके लिए ईरानी नेताओं को जिम्मेदार ठहराया गया, संवेदनशील अतिरिक्त दस्तावेज चुराए गए और प्रसारित भी किए गए, जिसमें ट्रंप के साथ ही जेडी वेन्स की संभावित कमजोरियों पर एक रिपोर्ट भी शामिल थी। इस पूरे मामले पर FBI सहित अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने बाद में पुष्टि की है कि हैकिंग के पीछे वास्तव में ईरान का हाथ था। इससे अमेरिकी राजनीति में हस्तक्षेप करने और लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास को कम करने का एक प्रयास बताया गया। FBI ने बताया कि ईरान का मकसद चुनाव से पहले कलह पैदा करना और चुनावों के परिणाम को प्रभावित करना था। लेकिन इस सब के बीच प्रोफेसर और लेखक डॉक्टर वालिद फॉरेस्ट की रिपोर्ट से तहलका मचा हुआ है। डॉक्टर वालिद फॉरेस्ट के मुताबिक ईरान 5 नवंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दिन ट्रंप को खत्म करने की कोशिश कर सकता है। फॉरेस्ट ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगियों से जुड़े कई सरकारी सूत्रों के मुताबिक ईरान में इस्लामी शासन आगामी 5 नवंबर को होने वाले अमेरिकी चुनाव से पहले पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या करने का प्रयास कर रहा है। शासन के नेताओं ने ट्रंप के जीवन के विरुद्ध कई मौखिक धमकियां भी दी हैं। IRGC के कमांडर आमिर अली हाजीजादेह ने टेलीविजन पर कहा है कि हम अल्लाह की इच्छा से ट्रंप और पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को मारना चाहते हैं। बता दें कि ट्रंप के अभियान को निशाना बनाने के अलावा अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईरान ने कमला हैरिस के चुनावी अभियान को भी हैक करने की कोशिश की थी। अमेरिका ने इस बारे में कोई डिटेल रिपोर्ट तो नहीं दिया है, लेकिन दावा किया है कि इसके लिए ईरान जिम्मेदार है।